अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं आप लोगों का लोकल फोटोग्राफी गाइड। उम्मीद है आप सब लोग अल्लाह के कम से खैरियत होंगे। पिछले एपिसोड में मैंने कैनन का FD 50mm 1.4 लेंस चेक किया था, मगर ये कि वो मुझे इतना टाइम ही मिला था कि मैं उससे ज़्यादा क्लिप्स बना सकूं या वीडियोस बना सकूं, तो मुझे इतना भी उसमें यानी ऑब्वियसली लेंस यूज़ करने का मज़ा आया, मगर मुझे इतना टाइम नहीं मिला कि मैं उसको जो है ना और भी चीज़ें एक्सप्लोर करूँ उस पर। तो खैर फिर उसके बाद ये 12 रुपये लेवल का दिन आने वाला था, तो आई थॉट के क्यों ना इससे कुछ क्लिप्स बनाए जाए। तो मैंने कुछ उस दिन के क्लिप्स बनाए हैं, वो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। काइंडली पहले वो मोंटाज देख लें, फिर उसके बाद। अच्छा ये है कि जो 50mm मैनुअल लेंजेस यूज़ करने का, एक तो मैंने काफ़ी पहले भी मैनुअल लेंजेस यूज़ करता रहा, कुछ फोकस रिंग हार्ड होते थे, कुछ के बहुत ज़्यादा लूज़ होते थे, मगर ये कि 50mm जो FD लेंस जो मैंने अभी जिसकी ये मोंटाज भी शो की है, ये काफ़ी इसका स्मूथ रिंग है। और उसकी वजह से एक तो ये कि मुझे फोकसिंग मेरे लिए बड़ी ईजी रही, और 1.4 क्योंकि काफ़ी फास्ट अपर्चर है, और यानी काफ़ी फास्ट क्या कहते हैं, काफ़ी ब्राइट अपर्चर है, और तो उसके ऊपर ये है कि डेप्थ ऑफ फील्ड भी काफ़ी शैलो हो जाती है, और काफ़ी बीक चीज़ यानी बड़ी फोकस पॉइंट हो जाता है कि आप उसको फोकस करेंगे तो सिर्फ वो चीज़ जो है टैप शार्प होगी, उसके अलावा बाकी जो चीज़ें फोरग्राउंड में और बैकग्राउंड में वो सारी ब्लर हो जाएंगी। ये कि वीडियो में इतना ज़्यादा पता नहीं लगता, इमेजेस में ऑब्वियसली क्योंकि हमारे पास रेजोल्यूशन ज़्यादा होती है, तो उस चीज़ का काफ़ी ज़्यादा पता लगता है कि क्या चीज़ फोकस है और क्या चीज़ ब्लर है, मगर वीडियो में कि थोड़ा सा काम चल जाता है। सेकेंडली क्योंकि ये पुराने लेंजेज हैं, इतने ज़्यादा शार्प नहीं हैं, इनके ऊपर इमेजेस वगैरह कैप्चर करते हुए ऑब्वियसली बिल्कुल डिजिटल लेंजेस की तरह टैग शार्प इमेजेस नहीं होते। तो पहले भी मैंने कहा था कि प्राइवेट प्रोजेक्ट्स के लिए या फन के लिए या वैसे ही कुछ शुगर लगाने के लिए ठीक है, तो अगर एक वीडियोज़ में जिस तरह अभी 4K रेजोल्यूशन इंडस्ट्री स्टैंडर्ड बन चुका हुआ है, तो 4K के जो एक्चुअल अगर हम उसको रेजोल्यूशन को मेगापिक्सल्स में कन्वर्ट करें तो वो 8 मेगापिक्सल बनती है, अराउंड 8 मेगापिक्सल। तो 8 मेगापिक्सल के हिसाब से ये लेंजेज जो हैं ठीक परफॉर्मेंस देते हैं। ऑब्वियसली आप इमेजेस के हिसाब से देखेंगे तो मिनिमम भी आजकल जो कैमरा चल रहा होता है वो 20-24 मेगापिक्सल है,
तो इतनी रेजोल्यूशन के लिए ये लेंजेस तो ऑब्वियसली ठीक नहीं है, मगर जहाँ पे 8 मेगापिक्सल के रिजल्ट की बात आती है उसके लिए दे आर क्वाइट शार्प। और 8 मेगापिक्सल के हिसाब से जो इनकी इमेज रिजल्ट्स हैं या जो वीडियो के अंदर उसका रिजल्ट क्रिएट होता है, जो उसकी बिल्कुल फोकस लाइंस हैं जहाँ पे वो यानी बिल्कुल टाइट शार्प शो हो रहा है, वो ऑब्वियसली उसमें भी वीडियो के अंदर भी या इमेजेस के अंदर भी काफ़ी टाइट शार्प लगते हैं, तो उस हिसाब से ठीक है। ये कि मुझे अभी भी इसमें ज़रा मुझे सोनी के ऊपर स्विच करने के बाद काफ़ी चीज़ों में मेरे लिए लर्निंग है भी रिक्वायर्ड कि मैं उन चीज़ों को लर्न करूँ। ऑब्वियसली इकोसिस्टम भी नया है और फिर इसके अंदर जिस तरह स्लोप वगैरह मुझे भी इनकी सारी इन डेप्थ चीज़ों का नहीं पता। बाकी ये है कि जैसे जैसे मैं इन चीज़ों के ऊपर भी वर्किंग करूँगा साथ साथ मैं इंशाल्लाह जो है वीलॉग्स वगैरह बनाता रहूँगा और उन चीज़ों को भी आपसे शेयर करता रहूँगा। अच्छा, उससे पहले जो है मैंने अभी कुछ चीज़ें जो मैं आगे शेयर करना चाह रहा हूँ वो उसमें मेरी पूरी कोशिश है कि जो कैनन के अंदर रॉ वीडियो शूट होती है जिस तरह पुराने कैमरे में 5D Mark II वगैरह उन चीज़ों को भी टच करें और उन चीज़ों को भी क्या कहते हैं एक्सप्लोर करें और कुछ उसमें जो मेरे लिए भी लर्निंग पॉइंट्स होंगे वो आप लोगों के साथ में शेयर करूं। तो ठीक है जी, आज की एपिसोड के लिए मेरा यही था कि मैंने 50mm को प्रॉपर मैंने पहले उसके ऊपर नहीं काम कर सका था, मगर मैं चाहता था कि अभी मैं उसके ऊपर थोड़ा पहले से बेहतर काम करूं या एटलीस्ट उसके ऊपर कोई जो है शॉर्ट क्लिप्स या इमेज वीडियो शूट करूं और उसका जो है कंपाइलेशन एक शो करूं आप लोगों के साथ या शेयर करूं, तो ये मैं करना चाहता था। तो नेक्स्ट एपिसोड तक के लिए अपना बेहद ख्याल रखिएगा और हमेशा की तरह खुश रहें, आबाद रहें। मैं हूँ आप लोगों का लोकल फोटोग्राफी गाइड, अल्लाह हाफिज़।